Hello, my lovely kids. Welcome to your English class. And I'm your digital teacher, Ananya, and I'm back with a new lesson of your English book, that is Literary Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. Children, today we will begin with lesson number 8. And the title of the lesson is The Growing Years. This is the story which tells us the importance of our parents and grandparents. हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं. ऐसे ही हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम उनका ध्यान रखें, छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करें. ठीक है, इससे हम उनकी केयर भी करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है. So let's read a beautiful story about this. We should always help our parents, grandparents in their day-to-day work. यानी कि हमें हमेशा अपने parents और grandparents की रोज किसी ना किसी काम में मदद करनी चाहिए. We should feel our responsibility towards our home and our parents. हमें हमारे घर की, हमारे parents की और हमारे बड़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. Grandma sat down on a broad wooden doorstep that tucked her pallu in. She then lifted the shining steel vessel and poured oil into her palm and began rubbing it on her both hands. Dadi jo hai, wo ek bade se wooden stool pe baithi, baithne ke baad, darwaze ke paas baithne ke baad, unhone apne haathon mein tel dala aur fir usko aise haathon mein rub karne lagi. Next was the turn of the knife. The same knife that looked so menacing was lying harmlessly beside the other kitchen utensils like a toy in her deft hands. इसके बाद उन्होंने हाथ में चाकू लिया, जो चाकू यूजुअली बहुत खतरनाक है. क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो चॉपिंग कर देता है, कट कर देता है. बहुत ज्यादा धार होती है ना चाकू में. लेकिन आज वही चाकू बिल्कुल आराम से, शांति से बाकी बर्तनों के बीच में रखा हुआ था. द ब्लेड गॉट अ जेनरस कोटिंग ऑफ ऑयल. फाइव पेयर्स ऑफ ऑस्ट्रिच आईज वॉच्ड हर एवरी मूव. अब दादी ने क्या किया, दादी ने उस चाकू पर अच्छे से तेल लगाया और पांच पेयर ऑफ आईज जो है इस सबको करते हुए देख रहे थे. यानी पांच बच्चे छोटे छोटे उनको घूर घूर के देख रहे थे. Can you see this? The grandmother is sitting with a knife. Then in a steel vessel, she is having oil. And these are the five children who are looking at her intently. Turning to me, the eldest, सबसे बड़े की तरफ देखते हुए दादी बोली, Come show me your palms, let me put some oil out. अपना हाथ दो, उसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ. I was dumbstruck. I couldn't believe I was going to be a part of this. At ripe old age of 10, that was an honor indeed. तो जो बच्चा था वो एकदम surprised हो गया. उसने सोचा है मुझे भी दादी अपने साथ इस काम में लेंगी. छोटे बच्चे जो हैं उन्हें कोई भी काम बताओ और बड़े अगर उनको कोई काम देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि हमें भी मौका मिला है ना. आपको जब आपके दादा दादी कोई काम देते हैं कि जाओ ये करके आओ, आपको लगता है ना कि हाँ हम तो बड़े हो गए हैं, हमें दादा दादी या मम्मी पापा ने काम दिया है. I suddenly felt grown up and ready to take on the world. One whole week of eagerness and impatience had finally led us here in the little room near the well. One week of non-stop questions and doubts on when the right one time was to cut the giant jackfruit that uncle had carried home one evening from the fields. So can you see this? This green fruit, this is a jackfruit. इसको हम कटहल बोलते हैं, ठीक है? आप सभी ने मार्केट में या अपने घर पे कटहल देखा होगा. कटहल बहुत बड़ा होता है और उसको काटने के लिए उसके अंदर से ना गम निकलता है, वो चिपक जाता है हाथों में ताकि वो ना चिपके. इसीलिए हमें हाथों में तेल लगाकर उसे काटना चाहिए. और इसीलिए दादी जो है सबके हाथों पे, चाकू पे तेल लगा रही थी. अब सब बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इस जैकफ्रूट को, यानी कब इस कटहल को काटा जाएगा.
करीब एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले, अंकल जो है इस कटहल को खेतों में से लेके आए थे। वी डोंट गेट टू सी ग्रैंडमा कटर जैकफ्रूट एवरी डे नाउ, डू यू? आजकल तो एवरीथिंग इज सो इंस्टेंट, सब कुछ वेजिटेबल वेंडर के पास से कट के ही मिल जाता है। तो आजकल के बच्चों को, हम लोगों को जो है, देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन पहले लोग हर काम खुद अपने हाथों से करते थे घर में। तो दादी भी इसको कट कर रही थी और सब लोग बड़ी ईगरनेस के साथ, उत्सुकता के साथ दादी को बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे कि कैसे दादी इस कटहल को काटेंगी। शी मेड अ स्क्वैट फेसिंग हर एंड आस्क्ड मी टू होल्ड द फ्रूट स्टेडी। आई वॉज नर्वस, वॉट इफ आई मूव्ड? वुडन द नाइफ फाइंड मी इंस्टेड ऑफ द फ्रूट? What if my legs can't take all the squatting and I slip? What if the oil makes my hand lose the grip? While these questions were kicking up the storm in my little head, the biggest of them came all, what if I lose control and grandma gets hurt? अब दादी ने बोला कि नीचे झुक के बैठो और इस कटहल को कस कर पकड़ के बैठो, ठीक है? अब जो बच्चा था वो घबरा गया। उसने सोचा, अगर मेरे हाथ से कटहल स्लिप हो गया, अगर ये जैकफ्रूट स्लिप होके गिर गया, तो चाकू जैकफ्रूट की जगह मेरे हाथ पे गिर जाएगा और फिर मुझे चोट लग जाएगी, मेरा हाथ कट जाएगा। और अगर कहीं और लग गया, तो अगर नीचे झुक के बैठने की वजह से मेरे पैर में दर्द होने लगा, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाई, तो और अगर मेरी जगह दादी को चोट लग गई तो फिर क्या होगा? आई थिंक शी रेड माई माइंड दैट डे। अब जब बच्चा जो है इस सोच में खोया हुआ था, तब नैरेटर की बातें दादी ने उसको देखते हुए पहचान ली। अब दादी ने उसकी बातों को, जो वो सोच रहा था मन में, उसको पकड़ लिया। उन्होंने उसको देखते हुए बोला, नाउ डोंट बी स्केर्ड, जस्ट होल्ड इट द वे आई शो यू एंड इट विल बी फाइन। डरने की बात नहीं है, जैसे मैं तुम्हें दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही इसको कसकर पकड़ो और सब कुछ ठीक से हो जाएगा। होल्ड इट हेयर लाइक दिस एंड शी शोड मी हाउ टू होल्ड द जैक फ्रूट दैट प्रोबेबली वेट एज मच एज आई डिड। दादी ने उनको ठीक से पकड़ना सिखाया और कहा, इस तरीके से पकड़ के बैठो। और वो जैक फ्रूट यानी वो कटहल काफी ज्यादा हैवी था, काफी ज्यादा भारी था। द नाइफ स्लाइस थ्रू द कोर स्किन एज इफ इट वर स्लाइसिंग थ्रू बटर। नॉट अ बिग सरप्राइज सिंस इट वॉज ग्रैंड पा हु हैड शार्पेंड द नाइफ अ लिटिल वाइल अगो। अब धीरे धीरे दादी कटहल काटने लगी और ऐसा लग रहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। कटहल धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में कटता ही चला जा रहा था, बिल्कुल बटर की तरह। और इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है दादाजी को, क्योंकि दादाजी ने कुछ देर पहले ही नाइफ को और ज्यादा तेज किया था, यानी और ज्यादा शार्प बना दिया था। शी लेट द नाइफ गो थ्रू टिल द एंड ऑफ द फ्रूट एंड देन यूज्ड हर हैंड्स टू स्प्लिट इट वाइड ओपन। पहले उसको कट किया और फिर 2 हिस्सों में कटहल को बांट दिया। द फ्रेग्रेंस ऑफ जैक फ्रूट वॉज ऑल अराउंड अस। इट वॉज अ ब्राइट येलो एंड लुक्ड एब्सोल्यूटली डिलीशियस। अब ये पका हुआ कटहल था, ये बिल्कुल येलो कलर का था और इसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, बड़ा टेस्टी और डिलीशियस लग रहा था। 5 पेयर्स ऑफ ग्रीडी आईज, 5 पेयर्स ऑफ लिटिल हैंड्स वेटिंग टू बी लेट लूज ऑन दैट राइप फ्रूट जूसी। अब पांचों बच्चे जो है बड़ी ही उत्सुकता के साथ दादी की तरफ और उस कटहल की तरफ देखने लगे कि कब दादी सबको थोड़ा थोड़ा देगी, ताकि वो लोग इस टेस्टी टेस्टी जूसी जूसी फ्रूट को खा सके और मजे ले सके। कैन वी ईट अम्मा, कैन वी ईट? नो प्लीज। तो दादी से सब लोग पूछने लगे, क्या हम खा सकते हैं अम्मा? दादी प्लीज, क्या हम खा सकते हैं? दादी ने बड़े प्यार से बोला, नहीं अभी नहीं, वेट। कैन आई टेक दिस बिग वन हेयर? वाई शुड ही गेट द बिग वन अम्मा? तो सब लोगों ने, सब आपस में लड़ने लगे, क्या मैं बड़ा वाला पीस ले लूँ, क्या मैं ये वाला ले लूँ? दूसरे बच्चे ने बोला, क्यों दादी माँ इसको क्यों बड़ा वाला पीस देगा, मुझे देंगे आप बड़ा वाला पीस? आप उसको कुछ मत दो, ये लालच कर रहा है।
We made a racket like only kids can, but no one did our hands go near the jackfruit. There were some unsaid rules in my grandma's house and we knew them. अब सब लोग आपस में झगड़ तो रहे थे कि किसको कितना पीस मिलेगा, कितना कौन लेगा, लेकिन किसी ने भी हाथ भी नहीं लगाया कटहल को, क्योंकि दादी माँ के घर में कुछ ऐसे रूल्स और नियम थे जो कि सब लोग जानते थे और सब लोग मानते भी थे. Grandma then painstakingly took out the little pieces and put them in a big vessel. अब दादी ने धीरे धीरे उस जैकफ्रूट में से बड़े बड़े टुकड़े निकाल के अंदर एक वेसल, एक जार में रखने शुरू किए. When she was done the entire fruit, she called out my aunt to bring 5 plates. जब उनका सारा काम हो गया, जब उन्होंने अच्छे से फ्रूट में से सारा कुछ निकाल लिया, तब उन्होंने बच्चों की आंटी यानी बुआ को बुलाया और कहा जल्दी से 5 प्लेट्स लेके आओ. शी काउंटेड आउट 4 ऑफ फ्रूट एवरी प्लेट एंड गेव इट टू अस. और उन्होंने 4 4 पीसेस हर प्लेट में रखे पांचों बच्चों को दे दिया. सेइंग वी कुड कम बैक फॉर अ सेकेंड हेल्पिंग इफ वी फिनिश्ड ऑल 4. उन्होंने क्या बोला कि अगर ये चारों खा लिए और फिर भी खाने की और इच्छा हुई तो वापस आकर मुझसे थोड़ा और लेके जाना, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करोगे, पहले थोड़ा थोड़ा खाओ, अगर अच्छा लगा और चाहिए होगा तो आकर वापस से मुझसे ले जाना. राइट, सो अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज बाय द चैप्टर. हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि साथ में मिलजुल के काम करने से मज़ा भी आता है और एक दूसरे का केयर रखने से हम लोगों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सब लोग परिवार में मिलजुल के रहते हैं और सब लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए. साथ ही हम लोगों ने ये भी सीखा कि जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमें बड़ों की हर बात माननी चाहिए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अच्छे बच्चों की तरह फॉलो करना चाहिए. नाउ लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग्स. मेनेसिंग मीन्स समथिंग डेंजरस. डेफ्ट मीन्स A quick and neat movement. Generous means काफ़ी सारा amount किसी को देना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देना. Awestruck means filled with respect, यानी किसी की तरफ बहुत ही श्रद्धा और के साथ देखना. Squat means to crouch, यानी नीचे बैठना. Kicking up a strong means creating confusion. Coarse means rough. Fragrance means a very pleasant smell, yani khushbu. And last is painstakingly, that means somebody doing some work very very carefully, yani dhyan se kisi kaam ko karna. Okay, now children, let's do the question and answers. The first one, to cut the jackfruit, grandma used a blade, a knife, a saw, an axe. To cut the jackfruit, grandma used a knife. उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया था. Second one, among the children, the narrator was the youngest, grandma's dearest, the eldest, none of these. सारे बच्चों में narrator सबसे बड़े थे. Okay? When grandma invited her to help, the narrator was confident, depressed, nervous and relentless. The narrator was a bit nervous. वो थोड़ा सा डर गई कि कहीं उनके हाथ से कोई गलती ना हो जाए और किसी को चोट ना लग जाए. Fourth, grandma gave the children dash pieces. कितने कितने पीस दिए थे? हर एक को 4 4 pieces दिए थे. Okay? So I hope children that you have noted down these answers. Okay, now let's further, आगे बढ़ते हैं. Now we have to do the fill in the blanks. And we would be doing the fill in the blanks using the words given in this help box. Okay? Let's get started. The first sentence is Dash sat down on the broad wooden doorstep. Kaun baitha tha wooden doorstep pe? Grandma. Okay? So, grandma. Dadi baithi thi na? Second. She poured some dash on her hands and knife. चाकू पे और हाथों पे क्या लगाया था दादी ने? ऑयल यानी तेल. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. थर्ड, द नैरेटर्स एज वाज डैश इयर्स. द नैरेटर वाज 10 ईयर ओल्ड. नैरेटर 10 साल की थी.
Fourth, the dash was yellow in color. The jackfruit was yellow in color. कटहल को जब काटा गया तो येलो कलर था अंदर से. सो द जैक फ्रूट है ना, दैट वॉज येल्लो इन कलर. फिफ्थ, द आंट ब्रॉट डैश प्लेट्स. आंटी को कितनी प्लेट्स लाने के बोला था? पांच. सो द आंट ब्रॉट फाइव प्लेट्स. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड द फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ इट्स टाइम टू डू द ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, ग्रैंडमा सैट डाउन ऑन द broad wooden doorstep. Yes, this is true. 10 pair of eyes awestruckly watched grandma. No, this is false. 5 pair of eyes were there. यहाँ पे 10 गलत है, यहाँ पे 5 होना चाहिए. Third, grandma had moved to a new home. No, this is false. Fourth, grandma had sharpened the knife a little ago. No, this is false. Grandpa ने sharp किया था knife को. फिफ्थ, ग्रैंडमा काउंटेड आउट 4 पीसेस ऑफ फ्रूट इन एवरी प्लेट. हर प्लेट में 4 पीस दिए थे. येस, दिस इज ट्रू. ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइज. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन एंड आंसर्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप ये खुद करेंगे. द फर्स्ट, वेयर डिड ग्रैंडमा सिट डाउन? ग्रैंडमा सैट डाउन नियर द ब्रॉड वुडन डोरस्टेप. Second, why did the knife look like a toy in grandma's hands? The knife looked like a toy in grandma's hands because grandma was confidently applying oil on the knife. Third, what made the narrator both excited and fearful at the same time? The grandma asked for the narrator's help in cutting the jackfruit. Jackfruit ko kaatne ke liye unhone narrator ko bulaya. नैरेटर खुश भी हुई और डर भी गई. क्यों? क्योंकि उन्हें डर खुश इसलिए हुई कि एकदम से उन्हें लगा जैसे वो बड़ी हो गई हैं, उन्हें मदद के लिए बुलाया गया है, और डर इसलिए लग रहा था कि उन्हें लग रहा था कोई गलती ना हो जाए. सो शी वॉज एक्साइटेड बिकॉज शी फेल्ट दैट शी हैड ग्रोन अप, बट शी वॉज नर्वस बिकॉज शी थॉट इफ हर हैंड स्लिप्ड दैट द नाइफ कुड हर्ट हर और हर ग्रैंड मदर. Fourth, the children questioned grandma for one whole week. What were the questions about? The children started asking the grandma when the jackfruit would be cut, who will get the highest share, when it will be distributed, and so on. Fifth, how many pieces of fruit did grandma give to each child? Grandma gave 4 pieces of fruit to each child. हर एक बच्चे को उन्होंने चार चार pieces दिए थे. और कहा था जब 4 पीस खत्म हो जाए और चाहिए हो तो फिर से आ जाना. तो बच्चों, आप सभी को आंसर समझ आ गए होंगे. वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस. विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. आई विल मीट यू सून अगेन विद अ न्यू लेसन वेयर वी विल लर्न समथिंग न्यू एंड मोर इंटरेस्टिंग. सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.